नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की ओर रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र ने की घोषणा, 3 लाख किसानों को बगैर ब्याज दिया जाएगा ऋण। ₹1.11 अरब की योजनाओं का सीएम ने बागेश्वर में किया शिलान्यास और लोकार्पण। सीएम ने कहा 700 डॉक्टरों को जल्द की जाएगी तैनाती। पिथौरागढ़ व रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को डीपीआर तैयार, सरकार की अनुमति के बाद शुरू होगा निर्माण कार्य। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान, 2022 में नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। टोटले जा रहे हैं हरक के बयान के सियासी मायने। दुर्गा पूजा अनुष्ठान कोरोना के चलते सादगी से मनाया जा रहा महोत्सव, मंदिरों में भी दिख रही भक्तों की भारी भीड़। उत्तराखंड में नहीं जलेगा 10 फीट से ज्यादा का रावण, नहीं लगेगा मेला, 50 लोग ही होंगे शामिल। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर नैनीताल से है। लंबे समय तक आरएसएस संगठन में प्रदीप शाह ने आरएसएस छोड़ आपकी का दामन थाम लिया है। प्रदीप शाह का कहना है कि आरएसएस भाजपाई हो गई है और भाजपाई की नीतियों को त्रस्त होकर वो आप पार्टी को दामन थाम रहे हैं। नैनीताल के पैलेस होटल में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर ने प्रदीप शाह को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। वरिष्ठ नेता हरक सिंह के चुनाव न लड़ने के बयान पर बोलते हुए कलेर ने कहा कि 2022 के चुनाव में आपकी आंधी चलेगी। अन्य पार्टी के बड़े नेता के पार्टी में शामिल करने के सवाल पर जब प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी में साफ सुथरे चरित्र नेताओं ही शामिल किए जाएंगे। आने वाले समय में आपको कई कुछ दिखने लगेगा और आपकी आंधी 22 में निश्चित चलेगी। आपने कल देख ही लिया होगा, हरक सिंह जी ने बयान दे दिया मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। इस बार आंधी चलेगी और बड़े बड़े पेड़ गिरेंगे 22 में और आपकी आंधी ही चलेगी। और ये साबित करता है, जैसे 40-45 साल संघ की सेवा करने के बाद आज भाई साहब ने ज्वाइनिंग करी है। देखिए, यहाँ पार्टी में करेक्टर, चरित्र, हर चीज़ देखी जाती है। द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी पर लगे यौन शोषण के आरोप का मामला लगातार गरमाता जा रहा है, जिसको लेकर राज्य में अपने पैर जमाती आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार को एक बार फिर से कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। वहीं पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर मामले को डीएनए जांच की मांग की है। उमा सिसोदिया ने बताया कि पीड़िता की लगातार मांग के बावजूद पीड़िता का डीएनए टेस्ट नहीं करवाया जा रहा है। देखिए, महेश नेगी प्रकरण जो चल रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण है पूरे उत्तराखंड के लिए। एक तरफ हम उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, माताओं बहनों का प्रदेश कहते हैं, और उत्तराखंड को बनने में कहीं ना कहीं हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन जिस तरह से एक दुष्कर्मी विधायक को बचाने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से हो रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के 2022 चुनाव न लड़ने के बयान पर उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष में लगातार बयानबाजी जारी है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की चर्चा आम आदमी पार्टी में शामिल होने की चल रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने बताया कि इस तरह की कोई भी वार्ता राज्य स्तर पर नहीं हुई है। साथ ही उन्हें कहा है कि राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं, फिर चाहे वो हरक सिंह रावत हों या अन्य जो भी पार्टी की रीति नीति में विश्वास रखने वाले प्रदेश के हित में पार्टी में आना चाहते हैं, उसके लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे हम, अगर इस तरह की मैं बात करूं तो अभी तक हरक सिंह रावत जी से ना हमारा संपर्क हुआ है ना उनका हमारे से संपर्क हुआ है। अगर हमारे से राज्य स्तर से ऊपर कहीं बातचीत हो रही थी उसकी जानकारी मुझे अभी है नहीं। और हमने ये भी कहा कि राजनीति असीमित संभावनाओं का क्षेत्र है, इसमें कोई सटीक भविष्यवाणी करना मुमकिन नहीं होता है। लेकिन दृढ़तापूर्वक फिर भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपने मूल दर्शन और सिद्धांत को समझौता कभी नहीं करेगी। भाजपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हरियाणा मार्का के 130 पेटी शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 8 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने शराब के साथ आरोपी गुरविंदर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। सीओ दीप शिखा अग्रवाल ने बताया कि पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 8 लाख रुपए है और आरोपी युवक को न्यायालय में भेज दिया गया है। जैसे कि हमारे जिले में नशे के विरुद्ध
अभियान चलाया जा रहा है, तो उसके तहत ही कोतवाली बाशवर द्वारा एक व्यक्ति को बरहनी क्षेत्र से 1236 हरियाणा की क्रेजी रोमियो नाम के ब्रांड की शराब के साथ गिरफ्तार किया गया और आज उसे माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसकी लगभग 8 लाख तक की कीमत होगी। भाजपुर में सहकारी समिति द्वारा लगाए गए धान क्रय केंद्रों पर धान क्रय न होने से किसानों द्वारा किए गए विरोध की जानकारी मिलते ही दर्जा राज्य मंत्री राजेश कुमार ने धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को जल्द ही वर्तमान में हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए उच्च अधिकारियों को और प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता करने की बात कही। बता दें कि भाजपुर में सहकारी समिति द्वारा लगाए गए 4 धान केंद्र की धान क्रय करने की निर्धारित सीमा पूरी होने के बाद क्रय केंद्रों पर धान की तौल को बीते 2 दिनों के बाद भी नहीं किया गया था, जिसके किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं धान क्रय की प्रक्रिया सुचारू रखने के लिए किसानों ने सहकारी समिति के अधिकारियों से भी वार्ता की थी। किसानों की परेशानियों को संज्ञान लेते हुए दर्जा राज्य मंत्री राजेश कुमार ने भाजपुर के मंडी समिति में लगे सहकारी क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद क्रय केंद्र प्रभारी से हो रही परेशानियों की जानकारी दी। कुछ हमारे किसान बंधुओं की शिकायत थी, मीडिया में ही प्रकाशित हुआ, उस खबर का संज्ञान लेते हुए मैंने अभी शिवपुरी केंद्र का और जो मंडी के जो मुख्य केंद्र हैं RFC के, यहाँ पे मैंने अभी दौरा किया है। चूँकि क्या है कि एक कांटे की लिमिट जो थी वो 10,000 कुंटल की थी, मगर मैं आपको ये आप स्वयं देख रहे होंगे कभी मंडियाँ इतनी गुलजार नहीं रही हैं। किसानों का विश्वास सरकार की व्यवस्था पर आया है और हमारी सरकार का मंत्र है उन्नत किसान खुशहाल देश। आप देखेंगे पूर्व में भी कभी गन्ने का भुगतान चीनी मिल चलने से पहले कभी नहीं हुआ। खबर सितारागंज से है, जहां भाजपा सरकार की 3 काले कानून के निरस्त करने को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष किसानों का हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा सितारगंज में आज से हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार किसानों को अनदेखा कर रही है। भाजपा सरकार के द्वारा 3 काले कानून पास किए गए हैं जो कि किसानों के हित में नहीं है। इससे किसानों का शोषण सरकार द्वारा किया जा रहा है। इन 3 कानूनों को सरकार द्वारा निरस्त किया जाना चाहिए और किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिया जाए। देखिए, जो भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं अनलॉक की, जो अक्टूबर में जारी हुई हैं, उसके अनुरूप ही दशहरा मनाया जाएगा। भीड़ कम करनी है, उसका रीज़न ये है क्योंकि ऐसे अगर हम सार्वजनिक जगहों पर करते हैं तो भीड़ अगर आती है तो उसको नियंत्रित करने में दिक्कत होती है। इसलिए मेरा सभी जो दशहरा की समितियां हैं उनसे अनुरोध है कि वो जो हमारे परंपराएं उनकी चल रही हैं उस स्वस्थ परंपराओं का निर्वहन करें और भीड़ कम से कम रखें, COVID-19 का जो है पालन सुनिश्चित कराएँ और त्यौहार को प्रसन्नता के साथ मनाएं। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। आइए मेरे साथ आप भी संकल्प लें कि हम सभी COVID-19 के बारे में सतर्क रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। मेरे साथ आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि आप सदा मास्क पहनेंगे, खासतौर पे सार्वजनिक स्थानों पे, और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे और अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोएंगे। और COVID-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा, ऐसा संकल्प लीजिए। मेरे साथ आप भी इस वचन में शामिल हों कि COVID-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, हम एक साथ मिलकर COVID-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं।
अब और भी अधिक सावधानी है जरूरी। त्योहारों और शादियों का मौसम आ रहा है, यही है हमारी परीक्षा की घड़ी। भीड़ से दूर रहकर, मास्क पहनकर और दो गज की शारीरिक दूरी बनाकर ही हरा सकते हैं कोरोना को। इससे डरना नहीं लेकिन सतर्क रहना है। याद रखिए, जब तक दवा नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कर लो प्रण, होगा कोरोना का अंत। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। उत्तरकाशी में कुछ लोगों के लिए विकास अभिशाप बनता जा रहा है। इससे पीछे ही घटिया सड़क निर्माण, तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह सड़कों का निर्माण में घटिया क्वालिटी की सामग्री का उपयोग हो रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तरकाशी के कुछ लोगों के लिए विकास अभिशाप बनता जा रहा है। इसके पीछे कारण है घटिया सड़क निर्माण। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें, लगभग 50 से 60 गांव को जोड़ने वाली नौगांव राजगढ़ी मोटर रोड बड़कोट, जहां इन दिनों जीरो टॉलरेंस नीति सरकार को आईना दिखा रही है। पीडब्ल्यूडी बड़कोट द्वारा बनाई जा रही सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। बता दें कि बड़कोट तहसील मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर लगभग 143 लाख की लागत से बनाई जा रही 10 किलोमीटर पौटी मार्ग का डामरीकरण का कार्य प्रगति पर है, लेकिन विभाग व ठेकेदार की मिली भगत से सड़क पर सही तरीके से डामर नहीं बिछाया जा रहा। स्थानीय लोगों ने घटिया गुणवत्ता को लेकर संबंधित अधिकारियों पर गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ठेकेदार विभागीय मानकों को ताक पर रखकर घटिया गुणवत्ता से सड़क निर्माण करा रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह मिट्टी के ऊपर ही डामरीकरण किया जा रहा है। निर्माण कार्य में तारकोल के नाम पर सिर्फ डामर को काला रंग दिया गया है, जो कि बिछाने के दूसरे दिन ही उखड़ना शुरू हो गया है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार सरकारी मशीनरी कब तक पूरे मामले का संज्ञान लेता है। उत्तरकाशी से के न्यूज इंडिया के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। लालगांव में वन विभाग द्वारा समय समय पर अवैध खनन से जुड़े वाहनों को पकड़कर सीज किया जाता है और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए लाखों का जुर्माना भी वसूला जाता है, जिसके चलते कई वाहन मालिक जुर्माने की राशि ज्यादा होने की वजह से अपने वाहन को छुड़ाकर नहीं ले जाते हैं। इसी कारण वन विभाग के कार्यालय में यह वाहन धूल फाँकते नजर आ रहे हैं। वहीं इस बारे में जब नीतीश मणि त्रिपाठी DFO वन विभाग ने बताया कि जो वाहन स्वामी अपने वाहनों को समय पर जुर्माना देकर नहीं ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ अब जल्द नोटिस जारी कर वाहनों को सरकारी घोषित कर दिया जाएगा। जो भी वाहन विगत समय में अवैध खनन में लिप्त होकर के पकड़े गए हैं और विभाग के पास हैं, उनको या तो जुर्माने पे छोड़ने की प्रक्रिया है, और जो लोग जुर्माना देने में के लिए राजी नहीं है या उपलब्ध नहीं है, या जिनका जुर्म जो है वो बार बार उसी कार्य को करते चले आ रहे हैं, बार बार उनके वाहन अवैध खनन में लिप्त हैं, ऐसे वाहनों को राजसात करने की प्रक्रिया गतिमान है। देहरादून में नवम्बर से LPG सिलेंडर लेने का तरीका बदलने वाला है। अब सिलेंडर बिना OTP को नहीं मिलेगा। आपको घरेलू गैस सिलेंडर के होम डिलीवरी की प्रक्रिया पहले जैसी नहीं होगी। नए सिस्टम से चोरी रोकने और सही ग्राहक को पहचानने के लिए तेल कंपनी नए LPG सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली है। इस नए सिस्टम में DAC नाम दिया जाएगा, यानी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। नए सिस्टम से पहले गैर संचालक चरणबद्ध तरीके से लागू करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, फायदा तो होता है हर किसी सिस्टम में अगर लागू होता है सिस्टम, लेकिन उसको जो है सिस्टम वाइज जो है लागू करा। अभी जो है पब्लिक को पहले अवेयरनेस करना चाहिए था कि उनको जानकारी हो कि OTP हम कैसे दें। अब जैसे उज्ज्वला कनेक्शन है, उज्ज्वला कनेक्शन इतने गरीब लोग हैं, उनके पास सेंडर रखने की अभी जगह नहीं है, और उनके पास जो है OTP कहाँ से मिलेगा, उनके पास वो फ़ोन नहीं है जिस पे OTP दे सकें वो। दूसरा, ATM ऑफिस वाले जो है काम पे चले जाते हैं,
फोन जो है हस्बैंड का है और सैंडल लेने वाली वाइफ। कैबिनेट मंत्री हरीश सिंह रावत के अगर बयान की सियासी मायने टटोले जा रहे हैं, कोई इसे नाराजगी से जोड़कर देख रहा है तो कोई इसे बहुगुणा के लिए राज्यसभा के टिकट के लिए लॉबिंग बता रहा है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन अगला विधानसभा चुनाव न लड़ने के हरक के बयान को प्रदेश की राजनीति को गर्मा दिया है। देखिए, मैंने अपने मैं ये पर्सनल मतलब पार्टी का निर्णय नहीं कह रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने ये निर्णय लिया है कि बाकी कई बार मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि मैं 2022 में चुनाव MLA का नहीं लड़ूंगा और मैं पार्टी हाईकमान के सामने भी, मैंने महामंत्री संगठन अजय जी को भी और पार्टी हाईकमान के सभी लोगों को कहा है कि मैं पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। बाकी निर्णय तो उसके बावजूद भी पार्टी हाईकमान, कई बार क्या होता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आपका मन नहीं होता लेकिन पार्टी के हित में, प्रदेश के हित में आपको अपना निर्णय पीछे हटना पड़ता है और पार्टी के हाईकमान का या प्रदेश के हित में निर्णय बदलना भी पड़ता है, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। कुंभ मेला 2021 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए आज मेला अधिकारी हरिद्वार दीपक रावत द्वारा कुंभ मेले क्षेत्र में सूखी नदी का निरीक्षण कर अब आवागमन हेतु बनाए जा रहे अस्थायी पुल के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मेला अधिकारी हरिद्वार दीपक रावत ने कहा कि कुंभ मेले में जन सुविधाओं को आवागमन को देखते हुए सूखी नदी पर 44 मीटर लंबा पुल जिसके 258 करोड़ रुपए लागत से बनाया जा रहा है और यह पुल मेले की भीड़ को नियंत्रण में रखने हेतु भी कारगर होगा। इस पुल का निर्माण कार्य 20 दिसंबर 2020 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। भारतीय तिब्बत सीमा पर देश की सुरक्षा करने वाले हिमवीरों को चमोली ने अपना 59वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया है। औली स्थित पर्वतारोहण और स्काई संस्थान प्रधानाचार्य DIG गंभीर सिंह चौहान ने परेड की सलामी ली। दूसरी तरफ ITBP के गोचर प्रांगण में कमांडेंट जोशी ने सलामी ली। बता दें कि 24 अक्टूबर 1962 को तिब्बत से सटी भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिए भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना की गई थी। ITBP भारत के लगभग 3488 किलोमीटर सीमा पर सुरक्षा करती है। ITBP के 9000 फीट से लेकर 18700 फीट से बर्फ से ढकी चोटियों तैनात है। बर्फ पर ढकी चोटियों पर सेवाएं देने के कारण ही इन्हें हिमवीर भी कहा जाता है। ITBP देश के विभिन्न भागों में राहत बचाव का कार्य किए करती है। ITBP ने केदारनाथ आपदा में भी बड़ी राहत व बचाव कार्य कर सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। वहीं हिमवीर भारत तिब्बत सीमा पर विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी बर्फीली जगहों पर देश की सुरक्षा करते नजर आते हैं। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी एक खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से महेंद्र पांडे उत्तराखंड से राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय के प्रभारी हैं महेंद्र पांडे। हिमाचल प्रदेश में संगठन मंत्री रहे हैं महेंद्र पांडे। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महेंद्र पांडे उत्तराखंड से राज्यसभा उम्मीदवार हो सकते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी हैं महेंद्र पांडे। हिमाचल प्रदेश में संगठन मंत्री रहे हैं महेंद्र पांडे। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, उत्तराखंड में एक ही सीट राज्यसभा की है जिसपे चुनाव होने हैं, उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी महेंद्र पांडे का नाम चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी है महेंद्र पांडे। हिमाचल में संगठन मंत्री भी रहे हैं महेंद्र पांडे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता दिल्ली से अमित दुबे जुड़ गए। अमित दुबे, महेंद्र पांडे का नाम चल रहा है उत्तराखंड की इकलौती सीट से बीजेपी की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए अगर उत्तराखंड बीजेपी की बात करें तो वो उस उत्तराखंड बीजेपी की तरफ तो 5 नाम जो है वो राष्ट्रीय कार्यालय में भेजे गए थे, जिसमें विजय बहुगुणा का भी नाम था, नरेश बंसल का भी नाम था
और अब जो हमारे सूत्र बता रहे महेंद्र पांडे का भी नाम था कि महेंद्र पांडे जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम दो दिन छोड़ रहे 27 तारीख जो है वो नामांकन का आखिरी दिन है, तो इससे पहले बीजेपी को उम्मीदवार घोषणा करनी है और ऐसे में महेंद्र पांडे का नाम सबसे ऊपर है। महेंद्र पांडे जो अगर वास्तविक स्थिति देखी जाए तो वो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय कार्यालय के प्रभारी है, इसके साथ में हिमाचल के संगठन मंत्री है और इसके साथ में सबसे बड़ी चीज जो है वो उत्तराखंड से आते हैं और यही बड़ी वजह मानी जा रही है कि महेंद्र पांडे का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि उत्तराखंड में एक ही सीट है और वो सीट बीजेपी के खाते में जानी है। तो इसकी इससे ये उम्मीद साफ तौर पर जाहिर होती है कि बीजेपी जिस उम्मीदवार को टिकट देगी वही राज्यसभा जीतेगा, तो ऐसे में महेंद्र पांडे का नाम जो है वो सबसे ऊपर यहाँ पे नजर आ रहा है और हमारा सूत्र बता रहे बहुत जल्द उनके नाम पे मोहर लग जाएगी। बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका, आप इस खबर पर नजर रखते रहिए। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां हिमाचल के संगठन मंत्री महेंद्र पांडे को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जा सकता है उत्तराखंड से। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार कोरोना से लड़ते हुए भी विकास और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस लड़ाई में हम तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम सब मिलकर कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलाएंगे। बाजारों में, ऑफिसों में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हुए सतर्कता बरतें, हाथों की सफाई का ध्यान रखें, मास्क लगा कर रहें, यही आपका सुरक्षा कवच है जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी सुरक्षित रखेगा। बदल कर अपना व्यवहार, करें कोरोना पर वार। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला बसंत, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते खबरों की ओर। खबर सितारगंज से है, जहां वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष रामलीला का मंचन नहीं हो पाया है। क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा रामलीला भवन पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय संस्कृति के अनुसार अखंड रामायण की शुरुआत की, जिस कारण समस्त कमेटी के पदाधिकारियों ने सरकारी गाइडलाइन के आधार पर श्री रामलीला भवन में अखंड रामायण का आयोजन किया गया। विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि दशहरे का पर्व कोरोना वायरस की वजह से धूमधाम के साथ नहीं मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माँ दुर्गा हमेशा हम सब पर कृपा बनाए रखें। पूरे क्षेत्र पर विधायक सौरभ बहुगुणा ने विधि विधान के साथ सितारगंज के रामलीला भवन में पूजा पाठ किया। कल दशहरे वाले दिन रामायण का समापन किया जाएगा, उसके बाद ही प्रसाद वितरण किया जाएगा। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि सितारगंज में रामलीला मैदान में हम बहुत धूमधाम से ये पर नहीं बना पा रहे, तो आप सबको मालूम है पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, आज बहुत एक ऐसी खराब बीमारी हमारे बीच में है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारी कमेटी का, राकेश गांधी जो अध्यक्ष हैं, कि उन्होंने फिर भी यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में आज दशहरे का पर्व मनाने के लिए आज अष्टमी की पूजा रखी है। पूरे देश के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी अष्टमी और नवमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बात करें इस वर्ष की तो इस बार तिथियों को लेकर उलझन की स्थिति को देखने को मिली। इस दौरान मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ रहे थे, घरों में कन्या पूजन करने के बाद उन्हें भोजन कराया गया। इसके साथ ही जगह जगह पर भंडारों का आयोजन भी किया गया। तो वहीं शनिवार सुबह से ही अष्टमी और रामनवमी की रौनक घरों में देखने लगी। श्रद्धालुओं ने पहले मंदिरों में माता की पूजा अर्चना कर प्रसाद चढ़ाया, इसके बाद घरों में नौ कन्याओं का पूजन कर उन्हें खीर पूड़ी हलवा का भोजन कराया। वहीं नवरात्रों की शुभकामनाएं देते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिस तरीके से भगवान श्री राम ने असत्य पर सत्य की जीत हासिल कर वैसे ही हम लोगों को कोरोना को मात देकर आगे बढ़ाएंगे।
भगवती के नवरात्र संपन्न होने जा रहे हैं, आज अष्टम और नवम रूप की पूजा की जाती है और निश्चित रूप से चूंकि हम लोग देवभूमि के लोग देवी देवताओं को मानते हैं और जिस प्रकार से हमारे यहाँ अनेकों सिद्धपीठ और शक्तिपीठ हैं, हमारे तमाम श्रद्धालु माँ का आशीर्वाद लेते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से मान्यता है कि भगवान श्री राम ने असत्य पर जीत सत्य की जीत के लिए माँ भगवती आराधना की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।